वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं परीक्षा पे चर्चा 2024। तो आप जानते हैं परीक्षा पे चर्चा ये जो प्रोजेक्ट है ये असल में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, और प्रधानमंत्री जी इसमें बताते हैं कि हाउ टू रिड्यूस दी प्रेशर, एग्जाम प्रेशर जो है, एग्जाम फोबिया जो है उसको दूर कैसे रखा जाए, उसको कम कैसे किया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा पे चर्चा को हम लोग PPC के नाम से भी जानते हैं, और ये इसमें बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। लगभग सभी जगहों पर ये आदेश जारी हुआ है कि ये प्रत्येक बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। बच्चा इंडिविजुअली खुद भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और टीचर्स के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो कुछ अहम बिंदुओं पर, जैसे कि क्या वेबसाइट चल रही है, जैसे रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट क्या है, जैसे शिक्षक द्वारा किए गए बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिस्ट कैसे प्राप्त करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई कई बातें आपको जानने को मिलेंगी, ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैसे करें ये टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी के साथ में कुछ बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग लाइव देख भी पाएंगे। तो ये जो प्रोग्राम है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से रन कराया जा रहा है, और इसमें सभी की अनिवार्यता है, यानी सभी शिक्षक को अनिवार्य रूप से कहा गया है कि वो बच्चों का शत प्रतिशत जो भी अपना डेटा वेटा है वो उसमें फीड करें, मतलब शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि बच्चे जो है इसमें भाग ले पाएं, और जिन बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा उन बच्चों को दिल्ली बुलवाया जाएगा, जो कि सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछ भी सकते हैं। तो चलिए बगैर कुछ लेट की हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर ये ब्राउजर ओपन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर टाइप किया है PPC 2024, और जैसे ही मैंने इतना टाइप किया रजिस्ट्रेशन आ गया है, मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले नंबर की वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। पहले नंबर की वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, और इसमें हर चीज़ सब कुछ बता दिया गया है कि किस क्लास से लेकर के किस क्लास तक के बच्चे उसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। तो हम लोग सीधे क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन इसमें मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट के लिए दो सर्वर हमारे पास मौजूद होंगे, सर्वर 1 और सर्वर 2। मान लेते हैं कि हम सर्वर 1 में एंटर करना चाहते हैं। सर्वर 1 में एंटर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। मैंने अपना नाम यहाँ पर जैसे फिल कर दिया, ये तभी है जबकि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ये मैंने यहाँ पर नाम फिल किया, और नाम फिल करने के बाद में अब मैंने यहाँ पर आप मोबाइल नंबर या मेल आईडी जो भी आप डालना चाहें, मैंने मेल से इसे किया हुआ था तो मैं अपना मेल आईडी डालता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर लॉग इन विद OTP पर मैंने क्लिक किया है, और जैसे ही मैंने क्लिक किया एक OTP आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो जिससे आपने सबसे पहली बार रजिस्ट्रेशन किया होगा उस पर आ जाएगी। बिल्कुल आ चुकी है, और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसे एंटर करने जा रहा हूँ। तो ये है 209668, और मैंने इस OTP को जैसे ही सबमिट किया तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये, मैं लॉगिन हो चुका हूँ, और अब मैं नीचे आता हूँ तो आपको ये बहुत सारे यहाँ पर पोर्टल देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि ये आप देख रहे हैं कि आइडियाज़ फॉर द विज़न विकसित भारत, इसके लिए आइडियाज़ मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल आज के जो हमारा टारगेट है वो परीक्षा पे चर्चा, यहाँ पर पार्टिसिपेट सर्वर 1 सर्वर 2। तो हम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट बाई सर्वर 1, और मैंने सर्वर 1 पर क्लिक किया। जैसे मैंने सर्वर 1 पर क्लिक किया आप देख रहे हैं कि अपने सामने यहाँ पर दो पोर्टल आ रहे हैं, एक स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, एक स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू दी टीचर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू दी टीचर इस पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसी के साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स का डेटा फिल करना है। अब यहाँ पर क्या है कि समय बहुत कम है और हमें अधिक से अधिक काम करना है, जैसे किसी विद्यालय में मान लेते हैं कि संख्या बहुत ज़्यादा है बच्चों की, 3,000 4,000 के करीब है, तो वहाँ पे कम समय में ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक एक्सेल शीट तैयार कर लीजिए। एक्सेल शीट का मतलब ये हुआ कि एक कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे बच्चे का नाम ज़रूरी है, बच्चे के पिताजी का नाम ज़रूरी है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो 3 डेटा हम ले लेंगे। मैंने ये एक्सेल शीट बना रखी है इसलिए मैं सीधे इस एक्सेल शीट का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये पूरी डेटा शीट मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माता जी का नाम है, सॉरी बच्चे का नाम है, पिताजी का नाम है, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ है। आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ से एक कॉलम, जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ से किसी एक का ले लेते हैं,
सीरियल नंबर से हमें मदद मिल जाती है कि कहाँ पर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और ये हमने यहाँ से डेटा कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद आप यहाँ पर आते हैं, सीधे आपने क्या किया यहाँ पर नाम फिल किया, नाम फिल करने के बाद में इतना हमने फिर से कंट्रोल एक्स कर लिया, फिर यहाँ पर आए कंट्रोल वी किया। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ हमको पता है, तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया, और अब जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ है ये तो ये अभी ठीक नहीं है। हाँ तो ये कुल मिलाकर के डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ गई है। अब ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ गई है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को भी हमने क्या कर दिया कंट्रोल एक्स कर दिया है। फिर कि स्कूल का नाम आ जाएगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोर्ड आप जानते हैं यूपी बोर्ड के लिए है, तो यूपी बोर्ड अब जो भी आपका बोर्ड होगा वो अपना फिल करेंगे। एड्रेस में आप अपने स्कूल के एड्रेस डालेंगे, और अपने विद्यालय का अगर आप एक बार केवल एक बच्चे का अगर आप फिल कर चुके हैं तो जो भी है विद्यालय के जैसे ही नाम का फर्स्ट लेटर डालेंगे वो पूरा विद्यालय दे देगा। इसके बाद में स्टेट आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप कोई भी स्टेट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चुन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट गया जाएगा। फिर पिन कोड आप यहां से चुन सकते हैं, पिन कोड में भी जैसे दो नंबर डालेंगे वैसे वो पिन कोड आ जाएगा, और उसके बाद से यहां से आपको 5 क्वेश्चंस के एक्टिविटीज के आपको रिप्लाई करने हैं। एक दो चीजें यहां पर मिसिंग हो रही हैं, जैसे कि एक तो जेंडर, जैसे कि जेंडर अब आपको पता है कि ये मेल कैंडिडेट है, और यहां पर ये मेल फीमेल जो भी अपना चुन सकते हैं। यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसके अंदर कुछ लिखना ही है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। आई एग्री टू ज्वाइन माई भारत प्लेटफॉर्म, अगर आप एग्री हैं तो टिक करें, अदरवाइज इसको अनटिक रहने दें। और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, प्रेम कुमार यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक रजिस्ट्रेशन मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। मैंने ऐड मोर पर फिर से क्लिक किया, और जैसे ही मैंने ऐड मोर पर क्लिक किया हमारे सामने वापस से एक लिस्ट द्वारा अपने पास जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने वापस से जिस ब्राउजर पर आप रजिस्ट्रेशन करें उस पीडीएफ को उसी ब्राउजर के एक टैब में ओपन कर लें, अदरवाइज आपको फिर दिक्कत होगी। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने ये ले लिया, हमने यहाँ से इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद में हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर कंट्रोल वी किया, और फिर यहां से हमने कंट्रोल एक्स किया, यहां पर आए कंट्रोल वी किया, यहां से डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट कर लिया है। और ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। यहां से हमने जेंडर सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं कि ये मेल है, और फिर यहां से हमने क्लास सेलेक्ट कर लिया, मान लिया कि क्लास 12th में है। एक बार अगर आप एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे स्कूल का नाम आ जाएगा। बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चे हैं। यहां से आप जैसे ही अपने विद्यालय का नाम का पहला लेटर टाइप करेंगे वैसे पूरा नाम आ जाएगा। फिर यहां से उत्तर प्रदेश डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर पिन कोड के जैसे ही आप फर्स्ट 2 लेटर्स टाइप करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस है कंपलसरी नहीं है कि आपको इसमें टिक करना ही है, करना चाहे तो कर दें, ना करना चाहे तो ना करें। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखना कोई बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, और आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि ये एक नया नाम और ऐड हो चुका है। सर्टिफिकेट इसके कब रिलीज होंगे, सर्टिफिकेट 12/1/2024 से रिलीज होना शुरू होंगे, और अभी आप देख रहे हैं कि इसमें 8 नाम हमारे पास आ चुके हैं। अब अगर आपको ये नाम चाहिए, अगर आप इस लिस्ट को अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कंट्रोल पी करना है। कंट्रोल पी से इसमें प्रिंट कमांड जाएगी, ये देखिए सारे नाम आ चुके हैं, और अब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूरी पीडीएफ बन करके आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपने पास रख सकते हैं। ये सारे नाम जुड़ते जा रहे हैं। अब इसमें दो चीजें, कई बार कुछ टीचर्स सोच रहे हैं कि उनके नाम शायद ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो याद रखेंगे कि यहाँ पर सर्वर 1 और सर्वर 2 दो सर्वर आपको देख रहे हैं। जब मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया था ये देखिए वेबसाइट दिख रही है, तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने सर्वर 1 जैसे अभी जो मैंने नाम ऐड किए हैं वो सर्वर 1 में ऐड किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर 8 नाम सर्वर 1 में देखने को मिल रहे हैं। बाकी जैसे मान लेते हैं कि मैंने 60 नाम सर्वर 2 में ऐड कर रखे हैं तो फिर वो सर्वर 2 में ही जाएंगे, सर्वर 1 में नहीं आएंगे। सर्वर 2 इसमें काम नहीं कर रहा है, जबकि आज 10 तारीख है तो 9 तारीख की शाम से इसने काम करना बंद कर दिया था। सर्वर 2 पर जब आप क्लिक करते हैं तो ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे, और लॉगिन पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये पेज तो ओपन होगा, लेकिन जब आप नाम और मोबाइल नंबर देंगे तो ओटीपी जनरेट करके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल मतलब रजिस्टर्ड आईडी पर नहीं भेजेगा। तो याद रखना कि इसमें सर्वर 2 काम नहीं कर रहा है। तो
मैं समझता हूँ कि आपकी सारी क्वेरीज फिल हो गई होंगी और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग कम समय में अधिक से अधिक बच्चों का फास्ट ट्रैक पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी एक रजिस्ट्रेशन को करने में लगभग 30 से 40 सेकंड का समय लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा समय लगता भी है तो 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। इतनी शिद्दत के साथ मैंने आपको चीज़ें क्लियर की हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरह समझ आ रही होंगी और इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी बच्चे का नाम आता है, उसको सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का मौका मिलेगा और उनसे सीधे बात, वो जो भी उसका प्रश्न का सीधे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।